Well, this was expected. Too quick. It's gone, gone, and yes, six. Top eight was good enough for that one to go over the boundary rope. वाओ, ये सिक्सर देख के तो मजा ही आ गया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि शोहेब अख्तर की फेंकी हुई बॉल की स्पीड क्या थी और बैट से टकराने के बाद की स्पीड, सचिन ने जो सिक्सर लगाया है वो कितने मीटर लंबा था, ये सब आखिर पता कैसे चलता है। और इतना ही नहीं, बॉल का एंगल, उसकी डायरेक्शन, इन सब की एक्यूरेट 3D इमेज हमें लाइव मैच में ही दिखा दी जाती है। लेकिन ये सब होता कैसे है, तो सुनो। बेसिकली इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। पहली होती है रडार गन, या फिर कहें स्पीड गन। नहीं समझे? अरे वही तो है जिससे पुलिस वाले हमारा चालान काटते हैं जब भी हमारी कार ओवर स्पीड में होती है। इसे 1947 में जॉन बॉकर ने बनाया था और क्रिकेट में इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार 1999 में हुआ था। इस स्पीड गन में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है जो बॉल पे टकराने के बाद वापस आने वाली तरंगों की कैलकुलेशन से हमें उसकी स्पीड बताती है। बट क्रिकेट में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम ही किया जाता है क्योंकि इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन है। इससे बॉलिंग करते टाइम उसकी इंस्टेंट स्पीड का तो पता चल जाता है, लेकिन बैट से टकराने के बाद बॉल की स्पीड में जो बदलाव आता है उसका पता लगा के ये हमें एक एवरेज स्पीड नहीं बता पाती। खैर, बॉल की स्पीड जैसी भी हो, लेकिन ओवर स्पीड होने में पुलिस वाले तो हमें छोड़ते हैं नहीं। अच्छा, दूसरी टेक्नोलॉजी है हॉकआई। ये बड़े कमाल की है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि फुटबॉल, टेनिस जैसे कई खेलों में किया जाता है। हॉकआई में 6 या इससे ज्यादा कंप्यूटर से जुड़े टेलीविजन कैमरा का यूज होता है। कंप्यूटर रियल टाइम वीडियो को रीड करता और समझता है और हर एक कैमरा से बॉल के पाथ को ट्रैक किया जाता है। फिर इन सबकी एवरेज कैलकुलेशन से बॉल के सही रास्ते का पता लगा के हमें उसकी 3D इमेज दिखाई जाती है। और ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है, इसीलिए तो लाइव मैच के चलते ही हमें ये सब दिखा दिया जाता है, क्योंकि बाद में तो इसका कोई फायदा है नहीं। और यही बात इस टेक्नोलॉजी में 4 चांद लगा देती है। इसमें बॉल के एंगल और डायरेक्शन के साथ साथ उसकी दूरी का भी पता लग पाता है और एम्पायर को भी LPW से रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि पता चल जाता है ना कि बैट्समैन की पैड से टकराई हुई बॉल क्या सही में स्टंप की लाइन में थी। और फाइनली इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा मैच देखने का मजा भी दोगुना हो जाता है। बाय द वे, आपका सबसे फेवरेट बॉलर कौन सा रहा है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।